न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, न्यूटन रिंग में, उसने ये बताया था कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं, इसी तरह जो माइकल सन्स इंटरफेरोमीटर, माइकल सन्स ने भी बिल्कुल न्यूटन जैसा ही काम किया। उसने भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमें बताया कि किस तरह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो बनती हैं, किस तरीके से ब्राइटनेस बनती है और किस तरीके से लाइट रेज जो हैं वो इंटरफेरेंस करके डार्कनेस प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा माइकल सन्स ने हमें ये भी बताया कि हम कितना डिस्टेंस एडजस्ट करें, कि कितना डिस्टेंस वेरी करने से हमारे पास जो है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो वेरी करती चली जाती हैं। माइकल सन्स ने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, इसने जो अपरेटस जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेट किया था, उस अपरेटस को इसने इंटरफेरोमीटर का नाम दिया था। इंटरफेरोमीटर से इसने मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस्तेमाल करते हुए उनकी जो है इंटरफेरेंस के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से इंटरफेरेंस बनी। तो अब हम लोग जो हैं माइकल सन्स के काम करने का तरीका देखते हैं कि इसने किस तरीके से काम किया था और किस तरीके से लाइट की जो है इंटरफेरेंस निकाली थी, किस तरीके से लाइट रेस की इंटरफेरेंस पैटर्न को बताया था कि वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से डिस्टेंस को भी माइकल सन ने वेरी किया था, तो हमारे पास जो है ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो वेरी करते चले गए थे। तो अभी हम लोग इसमें इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से माइकल सन्स ने काम किया था। माइकल सन्स ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दो मिरर इस्तेमाल किए थे। यहाँ पर दो मिरर थे, एक मिरर जो था मूवेबल था, इसे इसने M1 का नाम दिया। ये मूवेबल मिरर था, इसे यहाँ पे लिख लिया जाए कि ये मूवेबल था। और एक मिरर जो था वो मूवेबल नहीं था, बल्कि वो इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था कि वो फिक्स था, वो भी बिल्कुल M1 की तरह था, यानी कि उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ बिल्कुल M1 की तरह थी। ये जो था ये फिक्स मिरर है। इसके अलावा जो है माइकल सन्स ने दो और चीज़ें इस्तेमाल की, जिसमें से एक जो है वो हाफ सिल्वर मिरर है। यहाँ पर उसने इस मिरर को इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो इंसिडेंट लाइट के लिहाज से 45 डिग्री पर हो, यानी कि ये इस तरीके का एक मिरर था। इस मिरर को उसने क्या किया कि हाफ सिल्वर कर दिया। आपको मालूम है कि जो लेंस और मिरर है उनमें वाजह फ़र्क ये होता है कि जो लेंस है उसकी दोनों सरफेसेस ट्रांसपेरेंट होती हैं और मिरर की एक सरफेस ट्रांसपेरेंट होती है, दूसरी सरफेस पे पेंट या पॉलिश की होती है। सिमिलरली जो माइकल सन्स ने, उसने जो G1 यहाँ पर हाफ, उसने इसे G1 का नाम दिया। ये जो हाफ सिल्वर प्लेट है, यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं कि ये हाफ सिल्वर प्लेट है, सिल्वर मिरर है, प्लेट नहीं बल्कि मिरर है, हाफ़ सिल्वर मिरर। इसे हाफ सिल्वर मिरर इसलिए कहा कि इसकी हाफ सर्विस की सरफेस जो है उसके ऊपर सिल्वर पॉलिश कर दिया गया था। इस तरीके से ये सिल्वर पॉलिश कर दिया गया था इसकी हाफ सर्फेस के ऊपर। ये जो हाफ सर्फेस थी इसे हम लोगों ने, माइकल सन्स ने जो है सिल्वर के साथ पेंट कर दिया था, और सिर्फ हाफ सर्फेस को पेंट किया था और हाफ सर्फेस को जो है वो दोनों तरफ से ही ट्रांसपेरेंट रहने दिया था, और हाफ सर्फेस को एक तरफ से ट्रांसपेरेंट रहने दिया और एक तरफ से जो है उसे सिल्वर से हाफ पेंट कर दिया। इस वजह से इसे हम लोगों ने हाफ सिल्वर मिरर कहा। इसके अलावा एक और ग्लास प्लेट इस्तेमाल की गई, जो कि बिल्कुल इस मिरर की थिकनेस की थी, और उसे भी इस तरह से एडजस्ट किया गया कि वो भी 45 डिग्री पर ही हो। मींस कि ये वो एक और मिरर, एक और ग्लास प्लेट थी जिसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल G1 की तरह है, इसे उसने G2 का नाम दे दिया। इसकी थिकनेस थोड़ी सी यहाँ से सही करनी चाहिए ताकि बिल्कुल इक्वल लगे इस तरीके से। और ये जो दोनों हैं, दोनों का तकरीबन जो एंगल था वो यहाँ पर 45 ही था, मीन्स ये दोनों ही 45 पे एडजस्ट किए गए थे, और इस तरह से एडजस्ट थे कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी इस तरह से रखा जाए कि ये दोनों ही मिरर से बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि इस वाली ग्लास प्लेट का मिरर से भी इतना फासला हो जितना कि इस G1 प्लेट से हो, G1 मिरर से हो। अब इसके बाद जो है माइकल सन्स ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इस्तेमाल किया। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है हमारे पास। आपको मालूम है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को भी हम लोगों ने पिछली काफ़ी वीडियोस में देखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एक ऐसा लाइट सोर्स होता है जो कि सिंगल वेवलेंथ कंसिस्ट करता है। तो इस वजह से जो है माइकल सन्स ने एक सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स इस्तेमाल किया, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं। मे बी ये सोडियम हो सकता है या कोई भी ऐसा सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट हो। तो
उस लाइट सोर्स को जो है माइकलसन्स ने इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ कि इस लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट यहाँ पर आकर पड़ी तो इसमें से कुछ लाइट जो है ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा ये जो मिरर है ये हाफ सिल्वर्ड है, तो जो लाइट की रेस सिल्वर्ड हिस्से पर पड़ी वो रिफ्लेक्ट करेगी, उस हिस्से ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मिरर वाला हिस्सा बन चुका था सिल्वर पेंट होने से, तो उसने जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और लाइट जो है L1 डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ चली गई। और जो हिस्सा नॉन ट्रांसपेरेंट था, मीन्स कि जो हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं था, जिस पे कोई भी पेंट नहीं किया गया, ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रांसपेरेंट है दोनों साइड से, और ये वाला जो था ये नॉन ट्रांसपेरेंट था, क्योंकि इसकी एक साइड पे जो है सिल्वर पेंट कर दिया गया था। तो जब इस पे लाइट रेस पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं इसे ऊपर की तरफ पर, ऊपर की जानेब, यानी मिरर M1 की तरफ। और जो लाइट रेस इस वाले हिस्से से गुजरती हैं, हमारे व्हाइट वाले पोर्शन से गुजरती हैं, तो वो लाइट रेस बिल्कुल आगे की तरफ पास हो जाती है, क्योंकि जो आधा हिस्सा है वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि वो लेंस है। और आपको मालूम है कि लेंस की जो दोनों तरफ होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, मीन्स कि लाइट को पास करने देती हैं। आगे जो हमने G2 ग्लास प्लेट रखी हुई है, इसे भी हम लोग कहते हैं कि ये ग्लास प्लेट है, ये एक ग्लास प्लेट है, ये दोनों तरफ से ही ट्रांसपेरेंट है, जो लाइट रेस इजीली इसमें से भी पास हो जाती है, और इसमें से पास होने के बाद मिरर M2 के पास जाती है, और चूंकि वो मिरर है तो उससे टकराने के बाद ये वाली लाइट जो है ये डिस्टेंस L2 ट्रैवल करते हुए यहाँ से वापस इस वाली G1 हाफ सिल्वर्ड मिरर के पास आती है और इसे टकरा कर नीचे आ जाती है। और ये वाली L1 जो ऊपर गई थी ये भी इससे टकराने के बाद इस तरीके से नीचे आ जाती है, और यहाँ पर हमारी आइज़ होती है, तो यहाँ पर हमारी आइज़ को जो है दोनों के दोनों लाइट रेस मिल जाती हैं। तो लाइट की रेज जो है उसे एक L1 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जो कि मूवेबल मिरर की तरफ होता है, और दूसरा उसे डिस्टेंस वो ट्रैवल करना पड़ता है जो फिक्स मिरर की तरफ होता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ था कि माइकलसन को भी जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था वो बिल्कुल न्यूटन रिंग्स की तरह ही मिला, जिसमें कहीं पर जो है वो ब्राइटनेस, कहीं पे ब्राइटनेस आ रही थी तो कहीं पे डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, इस तरह से जो है माइकलसन को भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। लेकिन माइकलसन ने न्यूटन की तरह सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न को बताया ही नहीं, बल्कि उसने ये भी समझाया कि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि किस तरह से हम दरमियान में जो है सेंटर में ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से सेंटर में डार्कनेस प्रोड्यूस होती है। माइकलसन ने कहा कि जो हमने मिरर M1 इस्तेमाल किया है, ये मिरर M1 जो है ये मूवेबल था, इसे मूवेबल इसलिए रखा गया ताकि जब लाइट रेज जो है इस तक पहुँचें तो हम जो है इससे इस तक पहुँच के लाइट रे L1 डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती थी और यहाँ से टकरा कर बैक भी हो जाती थी, मीन्स कि यूँ लाइट रेज जाती थी और फिर इसे टकरा कर बैक हो जाती थी। माइकलसन ने कहा कि जिस तरह से हम इस मूवेबल मिरर का फासला तब्दील करते चले जाएं, यानी कि मूवेबल मिरर को λ/4 मूव करा दें, λ/2 मूव करा दें, जिस तरह से इसका डिस्टेंस वेरी करते जाएंगे, जितना ऊपर इसे सोर्स से करते चले जाएंगे, जाहिर सी बात है उतना ही जो सोर्स से लाइट आएगी उसे मिरर M1 तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने अपने मिरर M1 को λ/4 ऊपर कर दिया है, तो λ/4 ऊपर करने से क्या होगा कि λ/4 ऊपर करने से आपका जो L1 लाइट है जो आपके मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है और हाफ सिल्वर मिरर से टकराती है, टकराने के बाद उसे λ/4 ऊपर जाना पड़ेगा और फिर M1 से टकरा कर जब वो नीचे आएगी तब भी उसे λ/4 ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। तो जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो λ/4 प्लस λ/4 हो गया, तो ये जो है ये तकरीबन λ/2 आ गया। और आपको मालूम है कि जब भी जो लैम्डा है वो इस तरह से रेशो फॉर्म में आए, मीन्स ये कि वो λ/2 आ रहा है, λ/3, λ/4 इस तरह से आपके पास आती चली जाए, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करती हैं। तो इसका मतलब है कि अब सेंटर में आपके पास जो है वो डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। लेट्स से कि आप अगर इसे λ/2 ऊपर कर देते हैं मिरर को,
तो लेमडा बाय टू ऊपर करने से आपके पास यहाँ पर लेमडा आया, मीन्स ये कि लाइट ने अब जो है लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब है कि सेंटर में अब आपके पास ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से माइकलसन्स ने ना सिर्फ ये बताया कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह से बनते हैं, बल्कि उसने ये भी बताया कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपस में वेरी कैसे करते हैं, किस तरह से दरमियान में कभी ब्राइटनेस आ जाती है, कभी डार्कनेस आ जाती है, ये हमारे मिरर M1 के डिस्टेंस पे जो है वो डिपेंड करती थी। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो उस इंटरफेरेंस पैटर्न से आप वेवलेंथ भी डिटरमिन करते हैं कि वेवलेंथ की जो लेंथ है वो कितनी है, आप वो वेवलेंथ भी डिटरमिन कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है माइकलसन्स ने ये भी बताया, माइकलसन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इम्पॉर्टेंट काम जो उसने किया, उसने स्टैंडर्ड मीटर की डेफिनेशन को भी प्रूव किया। उसने कहा कि जो स्टैंडर्ड मीटर होता है, यानी कि मीटर जो आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बेसिक यूनिट है मीटर, तो लेंथ का बेसिक यूनिट है। तो जो माइकलसन्स है उसने ये कहा कि जो 1 मीटर होता है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर 1553163.5 वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आ सकती हैं, इसके अंदर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, यानी कि इतनी लाइट्स की वेवलेंथ हो तो वो तकरीबन 1 मीटर के इक्वल आती हैं। तो माइकलसन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ना सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रिंजेस को बताया, बल्कि इसने 1 मीटर की लेंथ को भी बताया कि 1 मीटर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट आ सकती हैं। जो माइकलसन्स था उसने जो है रेड कैडमियम लाइट को इस्तेमाल करते हुए उनकी वेवलेंथ से 1 मीटर को डिफाइन किया। इसके अलावा मोनोक्रोमेटिक सोर्स को इस्तेमाल करते हुए माइकलसन्स ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और ये सारी की सारी अरेंजमेंट को उसने इंटरफेरोमीटर का नाम दिया, क्योंकि इससे हम लोगों ने इंटरफेरेंस देखी थी इसलिए उसने इसका नाम इंटरफेरोमीटर रख दिया।